तो भैया धनेश्वर महतो वो चीज है कि सच बोलने से किसी के बाप से भी नहीं मैं डरता। जब मोदी से मैं नहीं डरता, तुमसे और ओबीसी से क्या डरूंगा। भारतीय जनता पार्टी को कुछ अंधभक्त बच गए हैं, अब ज्यादा नहीं है, सपोर्ट करते हैं, चाहे वो सही काम करे, चाहे टेढ़ा करे, चाहे मेरा करे। मुसलमान में भी ऐसे चमन चूतिए सब हैं जो उनके नेता कुछ भी करें उनकी शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। ओवैसी के कारण से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और पावर हो गई है ओवैसी की और ओवैसी के भाई की कि 110 करोड़ को हिंदुओं को सफाया कर देगा। कि भारतीय जनता पार्टी का तोता है, तोता झोला छाप नेताओं की भरमार है। मोदी अमित शाह ओबीसी की फालतू की बकवास सुनने जाए, ये चुनावी जुमले के नेता हैं। चुनाव आया तो दवा दब जुमले छोड़ते लगे और चुनाव खत्म, असली औकात नजर आ जाती है नेताओं की। जब मोदी मेरे ऊपर जांच बिठा के मेरा उखाड़ नहीं पाया तो तुम लोग क्या उखाड़ोगे। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था ओबीसी के ऊपर, उत्तर प्रदेश के चुनाव के संबंध में। बहुत सारे मुस्लिम व्यक्तियों को बुरा लगी मेरी बात, अजीब अजीब से कमेंट्स करने लग गए और धनेश्वर महतो को सबक सिखाने की बात करने लग गए। तो भैया धनेश्वर महतो वो चीज है कि सच बोलने से किसी के बाप से भी नहीं मैं डरता। जब मोदी से मैं नहीं डरता तो तुमसे और ओबीसी से क्या डरूंगा। सच्चाई बहुत कड़वी होती है और सच्चाई पचाना सबके बस का रोग नहीं होता। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कुछ अंधभक्त बच गए हैं, अब ज्यादा नहीं है, सपोर्ट करते हैं, चाहे वो सही काम करे, चाहे टेढ़ा करे, चाहे मेरा करे, वो उनका सपोर्ट करना उनका अंधभक्तों का काम है। उसी तरीके से कुछ मुसलमान में भी ऐसे चमन चूतिए सब हैं जो उनके नेता कुछ भी करें उनकी शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, ऐसा उन लोग का मानना है। ओबीसी साहब की भक्ति कर रहे हैं। अरे भैया ओवैसी के कारण से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। कड़वा सच सुन लो, प्रूफ चाहिए तो प्रूफ दे रहा हूं। ओवैसी के भाई ने क्या कहा था, आधे घंटे के लिए भारत में फोर्स हटा लो, एक भी हिंदू को हम छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। ये किसी राजनीतिक व्यक्ति का ये लफ्ज होना चाहिए। और इतनी पावर हो गई है ओवैसी की और ओवैसी के भाई की कि 110 करोड़ को हिंदुओं को सफाया कर देगा, में दम हो गया है। और इतनी बड़ी बात बोलने के बाद भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का तोता है, तोता भारतीय जनता पार्टी बुलवाती है उससे दूसरा प्रूफ चाहिए। वारिस पठान उसी की पार्टी का आदमी है ना, महाराष्ट्र से, उसने क्या कहा था, 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई की? नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उस तोते को बोला गया था कि तुमको इतनी बात बोलनी है ताकि हिंदू भड़क जाएं और वो हमें वोट करें। तो जिन गधों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती वो राजनीति करना छोड़ दें। झोला छाप नेताओं की भरमार है
और उन नेताओं की औकात यही है कि जिसने 500 रुपए दिया उसकी दुम हिलाने पीछे चले गए। कोई सही कर रहा है तो, गलत कर रहा है तो 500 रुपए से मतलब है। क्या लग रहा है अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 5 राज्यों का चुनाव है, ये लाखों लाखों की भीड़, देश में बेरोजगारी है, इतना फुर्सत है लोगों के पास कि इनकी फालतू की बकवास सुनने के लिए जाए, मोदी अमित शाह ओबीसी की फालतू की बकवास सुनने जाए। ये चुनावी जुमले के नेता हैं, चुनाव आया तो दवा दब जुमले छोड़ते लगे और चुनाव खत्म, असली औकात नजर आ जाती है नेताओं की। मैंने अभी कहा था पिछले वीडियो में कि नेता के दो चेहरे होते हैं, असली चेहरा जीतने के बाद नेता का पता चलता है कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है और वो कितना देश के लिए और जनता के लिए काम कर सकता है चुनाव जीतने के बाद। और चुनाव के समय में तो एक जुमलेबाजी का दौर होता है, जनता को लुभाना, यही राजनीतिक है, यही जुमलेबाजी है। तो ये कड़वे वचन है, सबको नहीं पचेंगे। जिनके पास भगवान ने सोचने समझने के लिए दिमाग दिया है उनको मेरी बातें समझ में आएंगी, अंध भक्तों को, ओबीसी के भक्तों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वही है एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरी ओबीसी की पार्टी, ए पार्टी बी पार्टी। बी मतलब हो गया ओबीसी की पार्टी, ए मतलब भारतीय जनता पार्टी। अब ये बी और ए का ये मतलब मत निकालना जो मैं कह रहा हूं, बी से भारतीय जनता पार्टी भी होता है भाजपा, तो वो मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि ओबीसी की पार्टी बी है, भारतीय जनता पार्टी ए में है, यानी वो बड़ी पार्टी है, ये छोटी पार्टी है, और ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो हिंदू की राजनीति करता है और ये मुसलमान की राजनीति करता है। और मैंने कहा तो कुछ उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को टिकट भी देने जा रहा तो एक भी नहीं जीतने वाला। जो समझदार देश में मुसलमान है, एक भी मुसलमान ओबीसी को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो मुसलमान जानते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति, कि ओबीसी बी टीम है और वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके कार्यकर्ता करते हैं। तो कोई मुझे धमकी देने की कोशिश मत करना। और वैसे भी जो सही से धनेश्वर महतो को जानते हैं ना, वो 100 कोस दूर रहता है मेरे से। जब मोदी मेरे ऊपर जांच बिठा के मेरा उखाड़ नहीं पाया तो तुम लोग क्या उखाड़ोगे? धनेश्वर महतो सच्चाई की लड़ाई लड़ता है। जिस समाज के साथ कोई अन्याय करता है उसकी आवाज उठाता हूं, चाहे वो हिंदू में हो, चाहे मुस्लिम में हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो दलित हो। जिस समाज के लिए जब जब सरकार ने अत्याचार किया है, मैंने उसका आवाज बुलंद किया है, यही मेरा काम है। चुनाव जीतना कोई बहादुरी नहीं है, हक की बात उठाना बहादुरी है और वो मैं करता हूं। चुनाव जीतने के लिए मैंने आज तक कोई कदम उठाया ही नहीं है, क्योंकि मैं जनता को गुमराह करके चुनाव जीतना ही नहीं चाहता। जिस दिन सच्चाई से जनता रूबरू हो जाएगी, उस दिन समझ जाएगा कि धनेश्वर महतो क्या चीज है और क्या मैंने समाज के लिए किया है। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।